तो आइए दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सिलसिले को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है एनपीयू चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है स्टार्ट कर दिए थे, बट उस वीडियो में हमने जो है एक ही क्वेश्चन हम जो है कर पाए थे उस वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअली में हम देखें तो बहुत ही ज्यादा वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर जो है एडवांस एंडिंग, एडवांस बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का जो है पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का चाहे हो गया, चाहे इनकम की मैं बात करूं, चाहे रेंट का हमने किया या एक्सपेंस की मैं बात करूं, ठीक है, दोनों का हमने जो है सीख लिया था, दोनों का सेम रूल होता था। आज हम जो है पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसपे हमें जो है बैलेंस शीट भी बनानी होती थी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना होता है। ठीक है, तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। आगे इन फ्यूचर जो है मैं एनपीयू चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा और अकाउंट्स की सारी सीरीज खत्म करूंगा। बिजनेस स्टडीज हो गया वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स के जो मैं बात करूं चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको जो है पढ़ाऊंगा एनआईयूएस के। ठीक है, तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करूं अगर मैं पिछली वीडियो की, तो पिछली वीडियो में हमने जो है अक्टूबर 2020 का जो क्वेश्चन था, जिसके एग्जाम जनवरी फरवरी में हुए थे, उसका हमने जो है एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट और रेंट का अमाउंट जो है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होना था वो हमने जो है ढूंढना था। ठीक है, मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। इसमें भी हमें जो है एक जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, उसमें भी हमें जो है ऐसी आउटस्टैंडिंग वगैरह गिवन है, सेम रूल आपको लगा के वही जो है सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें लिखना है। तो दोस्तों बात करूं अभी के क्वेश्चन की, आज हम जो क्वेश्चन अभी जो करने वाले हैं वो अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन है, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर 2019 के एनआईयूएस एग्जाम में बना था, जिसमें हमें जो है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है रॉयल क्लब का, और जिसकी एंडिंग डेट क्या है 31 मार्च 2019। ठीक है, कुछ रिसिप्ट हमें गिवन है, कुछ हमें जो है पेमेंट्स गिवन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पता ही होगा अगर आपने एनपीओ कर रखा है। ठीक है, और साथ में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जिसे हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, और हमें क्या करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है उस क्लब के लिए और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट की जो डेट दी हुई है वो 31 मार्च 2019 दी हुई है, बट अगर आपने एनपीओ किया होगा तो एनपीओ में जो है हमें बिगिनिंग की भी एक बैलेंस शीट बनानी होती थी, यानी कि हमें जो है एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती थी, जो कि अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो होगी 1 अप्रैल 2018 की, जिससे हमारा जो है कैपिटल फंड निकलता था और वही कैपिटल फंड जो है ट्रांसफर होता था एंडिंग की बैलेंस शीट में, और उसमें अगर सरप्लस होता था तो ऐड करते थे और अगर डेफिसिट होता था उसको हम जो है लेस कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है सिर्फ एंडिंग की बनानी है, तो इसका मतलब हमें जो है वर्किंग नोट में एक बिगनिंग की यानी कि ओपनिंग की भी बैलेंस शीट बनानी होगी। वर्किंग नोट का मतलब ही यही होता है कि वो उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट मेमोरेंडम है, जरूरी है, इसके बिना जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, बट वो उस क्वेश्चन का जो है पार्ट नहीं है, इसीलिए वर्किंग नोट में हम जो है बिगनिंग की बैलेंस शीट बनाएंगे यानी कि ओपनिंग की, और एंडिंग और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बनाएंगे। तो आइए इसका मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो है फॉर्मेट बना ली है, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था वो अक्टूबर 2019 का हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, और उस हिसाब से मैंने बना लिया, यहाँ हमारा जो है डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसमें डेट भी मैंने लिख दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, और यहाँ में मैंने बैलेंस शीट बना दी, उसमें रॉयल क्लब लिखा, ये जरूरी है बैलेंस शीट में जो है कंपनी का नाम या फर्म का नाम देना। ठीक है, और साथ में वर्किंग नोट फर्स्ट में मैंने जो है ओपनिंग की बैलेंस शीट बना दी, जिसमें डेट मैंने 1 अप्रैल 2018 डाल दी। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग की बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग की बैलेंस शीट, और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट इससे कैपिटल फंड निकलेगा तभी ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसीलिए मैंने जो है वर्किंग नोट में डाल दिया। ठीक है, एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है अगर आपको जो है सिर्फ एंडिंग की बैलेंस शीट बनाने को दी हो। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंसेस को पुट करते हैं हम। अगर मैं अभी जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने इस डेट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एनपीओ चैप्टर नहीं कराया अभी तक, तो मैं यही समझूंगा कि आपको जो है एनपीओ चैप्टर आता है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके आया हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं वो बताने के लिए आया हूँ, ना कि मैं ये चैप्टर कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे बैलेंस बीडी गिवन है, जिसको हम जो है ओपनिंग बोलते हैं, तो ओपनिंग का हमें कैश और बैंक गिवन है, तो ये दोनों एसेट है तो दोनों ओपनिंग की बैलेंस शीट में जाएंगी, तो ओपनिंग की बैलेंस शीट हमारी ये रही, तो लिख देंगे कैश और बैंक। ठीक है, एसेट है इसीलिए बैलेंस शीट में जा रहे हैं,
8000 और हमारा 37000। फिर हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन जो कि 70000 है और इस पे हमारी एडजस्टमेंट है, तो इसीलिए इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में उसका अमाउंट 70000 रुपीज। फिर हमें गिवन है लॉकर रेंट, इनकम साइड में गिवन है, रिसिप्ट साइड में गिवन है, तो इनकम में लिखेंगे सारा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है बहुत सारी, तो इसीलिए थोड़ी लाइन छोड़ कर 3-4 बाय लॉकर रेंट इनकम है हमारी और लिख देंगे 3500। ठीक है, फिर हमें गिवन है डोनेशन, और ये कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, बेसिक जो हमारी जनरल डोनेशन होती है वो है, तो जनरल जब होती है डोनेशन तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट के इनकम साइड आती है, और कोई स्पेसिफिक डोनेशन होती है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आती है, कोई फंड होगा उसमें ऐड हो जाती है, तो बाय। फिर हमें गिवन है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो इनकम है ये भी। फिर हमें नीचे गिवन है एंट्रेंस फीस, तो ये भी इनकम है हमारी। फिर हमें गिवन है इनकम फ्रॉम म्यूजिक शो, ठीक है, तो ये भी इनकम है हमारी। तो दोस्तों आप अगर पेमेंट साइड में देखोगे तो यहाँ हमें जो है लास्ट, थर्ड लास्ट एंट्री है जिसमें हमें लिखा हुआ है कि बाय म्यूजिक शो एक्सपेंस, ये हमें जो है इनकम हुई म्यूजिक शो के 70000 और एक्सपेंस भी हुए हैं कुछ 68500 के। तो सबसे बढ़िया तरीका होगा कि वो एक्सपेंस इसी में से ही माइनस कर दो, क्योंकि उस वो इसी शो के लिए तो हुए हैं और इस शो से इनकम हमारी इतनी बनी है, तो लेस लिखेंगे म्यूजिक शो एक्सपेंस कितने हुए 68500, 1500 की हमारी टोटल इनकम हुई। ठीक है, इतना खर्चा हुआ, इतनी इनकम आई, और खर्चे में से इनकम में से खर्चा माइनस किया तो हमारा टोटल प्रॉफिट बच गया और इनकम हमें इतनी मिली। ठीक है, तो वैसे आप एक्सपेंडिचर साइड भी इसको लिख सकते थे, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, बट ये सबसे बेस्ट तरीका है जो है लिखने का। ठीक है, हमारी जो है रिसिप्ट साइड खत्म होगी, अब हम आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे हॉनरेरियम तो एक्सपेंडिचर है हमारा ये। फिर हमें गिवन है बाय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बाद में आपको करूंगा, इस पे टिक लगा लीजिए। ठीक है, वेजेस पे आते हैं, तो टू वेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है 20000, फिर हमें गिवन है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इसको भी लिख देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 10500। फिर हमें गिवन है रेंट, तो ये भी एक्सपेंडिचर है, तो टू रेंट करके इसकी भी एंट्री कर देंगे 12000। फिर हम म्यूजिक शो एक्सपेंस वो हमने कर दिया, रिफ्रेशमेंट का खर्चा हुआ है तो 4500, ये भी हम जो है एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे। फिर हमें बैलेंस सीडी गिवन है जो कि क्लोजिंग, मतलब सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का एसेट गिवन है हमें दोनों, तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे। कैश और बैंक का गिवन है, कैश है 10000 और बैंक है 12500। ठीक है, सारे बैलेंसेस हमें पुट हो गए एक्सेप्ट हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं एडजस्टमेंट पे। ठीक है, ठीक है, तो बीच में मैं जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2018, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 में हमें जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, हमारी कंपनी फर्म के पास 2 लाख रुपीज का। अब यहां मैं एडजस्टमेंट की अगर बात करूं तो जब हम फाइनल अकाउंट कर रहे थे तो तब भी मैंने बोला था एडजस्टमेंट दो जगह आती है। ठीक है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अब ये पहली एडजस्टमेंट हमें गिवन है कि हमें जो है ओपनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल 2018 में, हाँ ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है 2 लाख रुपए का ओपनिंग में। तो क्या बताओ कि जब हमारे पास 1 अप्रैल 2018 में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था तो वो 2019 में नहीं होगा, यानी कि 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2018 से ये ईयर शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है 2018। ठीक है, यही तो हमारा ये ईयर चल रहा है 2019, सॉरी। ठीक है, यही, और इसमें हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो क्या वो इसी साल का नहीं है? इसी साल का ही तो है वो, ठीक है, इस साल में है तो इसी पूरे साल का है, तो मतलब ये ओपनिंग का भी है और एंडिंग का भी है।
तो ये एक एसेट है, तो दोनों बैलेंस शीट में ये जो है लिखा जाएगा म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक तो एंडिंग में आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कितने का है 2 लाख रुपीज का, और ओपनिंग में भी आ जाएगा इसका 2 लाख जो है अंदर लिखना होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे इसको भी, क्यों मैंने जो है इनर कॉलम में लिखा और ओपनिंग में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दोनों जगह मैंने जो है इफेक्ट ले लिए इसके 2 लाख रुपीज, दो जगह आ गया, दोनों एसेट है तो दोनों की बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और जब भी आपको जो है एडजस्टमेंट में कोई एसेट गिवन होता है कि ये इतनी तारीख इतनी डेट को, चाहे वो एंडिंग में गिवन हो ओपनिंग, वैसे तो ओपनिंग में गिवन होता है, तो दोनों बैलेंस शीट में आप जो है उसको एसेट साइड में लिखोगे, ठीक है। तो दोनों साइड आप जो है इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें गिवन था, एक एसेट 2 लाख रुपए का है, तो दोनों साइड हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात निकली है, तो हमें जो है एक पेमेंट साइड में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन था, जो कि 1/4/2018 पे हमने जो है परचेज किया था, तो इसका मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने जो है पेमेंट की थी, ठीक है। अगर जिन्होंने एनपीओ किया होगा तो हम जो है कंज्यूम निकालते हैं इसमें, ठीक है, कंज्यूम की कैलकुलेशन करते हैं कि हमने जो है कोई एसेट को कितना कंज्यूम किया है। तो सबसे पहले उस कंज्यूम में हम जो है करते हैं कि कितनी पेमेंट की है, हमने जो है ईयर में कितनी पेमेंट की है, फिर उसमें हम जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा रहता है कंज्यूम की कैलकुलेशन के, कितना वो एसेट कंज्यूम हुआ है। हालांकि इसमें क्रेडिटर भी जुड़ते हैं और घटते हैं, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए मैं सिखा नहीं रहा, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है। तो पेमेंट हमने कितनी की है, पेमेंट हमने जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने परचेज किया है 51,500 का, तो मतलब 51,500 की हमने पेमेंट की है, और ओपनिंग स्टॉक भी हमें गिवन है, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ओपनिंग 2 लाख रुपए है और क्लोजिंग भी हमारा 2 लाख रुपए है। तो इसकी कैलकुलेशन तो सीधी सीधी 51,500 हमारे जो है निकल के आ रही है, तो इसका मतलब कि 51,000 का ही हमने जो है एक ये एसेट कंज्यूम किया है। तो कंज्यूम किया है तो मतलब हमारा खर्चा है वो इतना हमने यूज कर लिया, तो इसको लिखेंगे क्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम, ठीक है, कितने का 51,500 का हमने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम किया है। तो इसकी यही हमारी जो है कैलकुलेशन बनती है, जब भी आपको पेमेंट में कोई एसेट गिवन हो और नीचे ब्रैकेट में गिवन हो कि हमने जो है इतने को परचेज किया, तो आपको जो है कंज्यूम की जो है कैलकुलेशन करके कंज्यूम का अमाउंट निकाल के एक्सपेंडिचर में डाल देना है। अगर यहाँ पे ऐसे कोई नहीं गिवन है कि परचेज ऑफ दिस डेट, परचेज ऑन दिस डेट, सीधा गिवन है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या सीधा फर्नीचर हमें गिवन है, तो आपको सीधा सीधा जो है उसको एसेट में डाल देना है, ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल देना है वो की एंडिंग वाली, ठीक है। फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे आप देखोगे कि उसी डेट को हमें जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है। देखिए अब डेट क्या चल रही है हमारी, 1 अप्रैल 2018, तो ये हमारी बिगिनिंग डेट हुई, देखो इसी डेट को ही तो हम बिगिनिंग की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये हमारी बिगिनिंग डेट हुई, और 31 मार्च 2019 ये फिर हमारी एंडिंग डेट हो गई, ठीक है, जिसको हम जो है एंडिंग बैलेंस शीट बनाने यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। अब बात चल रही है ओपनिंग की यानी कि बिगिनिंग की, बिगिनिंग को एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली सब्सक्रिप्शन हुई, जो कि कितनी है 8,000, और यहां उसी डेट को एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, तो मतलब ये कि एडवांस बिगिनिंग वाली सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है एडजस्टमेंट में, जो कि 10,000 की है। फिर अगर अगली एडजस्टमेंट भी आप बढ़ोगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2019 में गिवन है, मतलब एंडिंग वाली हमें जो है आउटस्टैंडिंग एंडिंग वाली सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, जो कि कितने की गिवन है हमें 5,000 की, और एडवांस भी हमें गिवन है एंडिंग वाली सब्सक्रिप्शन जो कि 3,000 गिवन है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको जो है सारा करा दिया था कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ठीक है। अब ये हमें जो है एडजस्टमेंट गिवन है, तो इन
हर एडजस्टमेंट के, यानी कि इन हर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट लिए जाएंगे। पहला तो इफेक्ट हमें पता होगा कि क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले सारों के इफेक्ट एक एक तो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही लगेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ऐड और माइनस होगी, प्लस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग। मैं ब्लैक से इसको जो है कर लेता हूं, देखिए इसमें अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एंडिंग, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, प्लस कर देंगे एडवांस बिगिनिंग, माइनस कर देंगे एडवांस एंडिंग। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एंडिंग कितने का है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंडिंग 5000 की है और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 8000 की है। एडवांस बिगनिंग कितने की है, एडवांस बिगनिंग 10,000 की है और एडवांस एंडिंग 3,000 की है। ठीक है, सारे इफेक्ट यहाँ आ गए। अब इन चारों के इफेक्ट दूसरी जगह भी जाएंगे। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एंडिंग की, ठीक है, और एक सब्सक्रिप्शन जो कि आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, हमें मिली नहीं है, तो क्या हुआ, एक इनकम जो हमें मिली नहीं है बट हमने कमा तो ली है, तो मतलब एसेट हुआ हमारा, एक हिसाब से एक्रूड ही हुआ, तो एसेट हुआ। और एसेट किस में जाएगा, एंडिंग, एंडिंग वाली बैलेंस शीट कौन सी, क्लोजिंग की, तो इसमें लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंडिंग वाली थी तो एंडिंग वाली बैलेंस शीट में डाल दी, कितने की है 5000। एक का तो इफेक्ट कंप्लीट। अब दूसरी का लेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, सेम एज इट इज, बिगनिंग वाली बैलेंस शीट बना तो रहे हैं भाई, हम बना रहे हैं तो उसी में ही डाल दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितने की अमाउंट है, 8000 का अमाउंट है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस की। एक ऐसी इनकम जो हमने एडवांस ले ली, एक ऐसी सब्सक्रिप्शन इनकम ही तो है हमारी, हमने एडवांस ले ली, तो भाई फर्म के लिए लायबिलिटी है, कर्जा है वो हमारे, थोड़ी हमें डेट आ गई थी, हमने डेट से पहले ही ले ली, तो कर्जा है हमारे लिए। तो एडवांस बिगनिंग, बिगनिंग की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसमें लिख दो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगी, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने की है, 10,000 की। फिर एडवांस की बात करें, वो एंडिंग की है तो एडवांस एंडिंग वाली बैलेंस शीट में डाल दो एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000। हर एक एडजस्टमेंट के हमने दो दो इफेक्ट ले लिए। अब इसका अगर नेट निकालें तो 74,000 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी दो वो एडजस्टमेंट भी खत्म। ठीक है, दो दो इफेक्ट हमने सबके ले लिए। अब बात करते हैं थर्ड वाली, जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। डेप्रिसिएशन हमेशा क्लोजिंग की बैलेंस शीट में लगेगा। ठीक है, एंडिंग में ही हम जो है डेप्रिसिएशन लगाते हैं, स्टार्टिंग में तो लगाते नहीं है, अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर भी पढ़ा था, तो हमेशा क्लोजिंग की बैलेंस शीट में जो है डेप्रिसिएशन लगेगा, और इसीलिए मैंने 2 लाख रुपीज यहाँ पे इनर कॉलम में लिखा। तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप, जो कि 2 लाख का 20% और 10% 20,000 हुआ, तो 1,80,000, और यहां लिख देंगे 2 डेप ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 20,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने जो है सारे अमाउंट भी पुट कर दिए और सारी एडजस्टमेंट भी कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एडजस्टमेंट गिवन होती है एनपीओ की। अगर आपको पहले फाइनल अकाउंट आता है तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो चूजिंग में आपको जो है एनपीओ का क्वेश्चन गिवन होगा, तो ये आप करेंगे। अब होगा क्या, हमें जो है अगर क्रेडिट साइड बड़ा आता है तो हमारा सरप्लस निकलेगा, अगर डेबिट साइड बड़ा आता है तो डेफिसिट निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो है हमेशा बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट जो होती है, एसेट साइड बड़ा होता है, कैपिटल फंड निकलेगा, और वही कैपिटल फंड ट्रांसफर होगा एंडिंग की बैलेंस शीट में। अगर यहाँ सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों को मैच कर देना है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों मैंने जो है सारा कुछ निकाल लिया है। सबसे पहले अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो है डेबिट साइड बड़ा आ रहा था, तो इसका मतलब हमारा डेफिसिट डेफिशिएंसी निकली, सरप्लस तो निकला नहीं, तो यहाँ पे 1,45,500 आया थे डेबिट साइड में, तो सारा माइनस करके जो है हमारा डेफिसिट निकला 38,500 का। ठीक है, और बात करें ओपनिंग बैलेंस शीट की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा जो है कैपिटल फंड निकल के आ गया, जो कि हमारा निकला 2,43,000 का। यहाँ पे मैंने एसेट को मैच किया सारा 2,53,000, और उसमें 10,000 माइनस किया तो 2,43,000 हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया, और ये बैलेंस शीट भी हमारी जो है मैच हो गई, और यही कैपिटल फंड को मैंने ट्रांसफर कर दिया क्लोजिंग की बैलेंस शीट में, जिसको मैंने लिखा कि ये नोट नंबर 1 से आया है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है, और उसमें से मैंने डेफिसिट बोला था माइनस होता है, तो डेफिसिट माइनस कर दिया 2,43,000
204,500 हमारा निकल के आ गया, और साथ में मैंने लायबिलिटी साइड को मैच किया तो 207,500 आ गया, और एसेट साइड को मैच किया तो 207,500 आ गया। तो इसी तरीके से आपको जो है एनपीओ के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है एक ही क्वेश्चन आज भी कर पाए हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको जो है तीन क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, जिसमें एक थ्योरी का होगा वो बताऊंगा और दो प्रैक्टिकल के होंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।